आखिर कैसे मार्क जकरबर्ग अपने इस नए प्लान से पूरी दुनिया पे राज करने वाले हैं, और फेसबुक के नए नाम मेटा का मतलब क्या है, और भारत में इस जगह का नाम आखिर पाकिस्तान कैसे पड़ा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और लोगों को दिखा एक ऐसा गिद्ध जो बिल्कुल इंसानों की तरह पानी में तैरता है, और आप इस 50 रुपए के नोट को बेच के लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर वन, हाल ही में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदल के मेटा रखा है, लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा कि मेटा का मतलब क्या है, और कैसे मार्क जकरबर्ग मेटा की मदद से पूरी दुनिया पर राज करेंगे? असल में मेटा शब्द मेटावर्सी से लिया गया है, और मेटावर्सी का मतलब एक वर्चुअल कंप्यूटर जनरेटेड स्पेस है, जहां लोग घर बैठे बैठे एक दूसरे से कुछ इस तरह बातचीत कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा फील होगा कि वो लोग एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। फेसबुक की इस नई दुनिया मेटावर्सी में लोग वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, और यहां तक कि गेम भी खेल सकते हैं। ये सुनने में आपको बिल्कुल एक साईफाई फिल्म की तरह लग रहा होगा, लेकिन मार्क जकरबर्ग ऐसा रियली में करने वाले हैं। अगर उनका ये आइडिया सफल हुआ तो मेटावर्सी इस मॉडर्न दुनिया में तहलका मचा देगा, और मार्क जकरबर्ग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मार्क जकरबर्ग का ये आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं, कमेंट्स में बताएं। नंबर टू, पाकिस्तान का नाम भला किसने नहीं सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में भी एक ऐसी जगह है जिसका नाम पाकिस्तान है? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बिहार में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान, और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान देश में भी एक ऐसा गांव है जिसका नाम बिहार है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उसके तुरंत बाद ही इस गांव का नाम पाकिस्तान रख दिया गया। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर मुस्लिमों ने बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान जाना पसंद किया था, और उनकी याद में इस गाँव का नाम पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान गाँव के लोगों को अपने गाँव के नाम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान गाँव के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गाँव का नाम पाकिस्तान होने के कारण उनको अपने बेटे बेटियों की शादी भी तय करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज से कई साल पहले यहाँ के लोगों ने गांव का नाम बदलकर बिरसा नगर करने के लिए अधिकारियों को लेटर भी लिखा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। आज पाकिस्तान गांव की हालत ऐसी है ना कि इस गांव में कोई सड़क है ना ही स्कूल और ना ही हॉस्पिटल। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान गांव का नाम बदलना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर थ्री, इंसानों को तैरते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन जरा इस वीडियो में देखिए, इसमें एक गिद्ध बिल्कुल एक इंसान की तरह पानी में तैर रहा है। ये गिद्ध बिल्कुल किसी इंसान की तरह अपने पंखों को हाथ बनाकर तैरते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए पता चलता है कि गिद्ध ने नदी में किसी मछली को अपना शिकार बनाया था, जिसे वो अपने पंजे में दबोचकर तैरते हुए नदी के किनारे लेकर पहुंचा, और फिर उस मछली को अपना निवाला बना लिया। अगर आपने भी किसी गिद्ध को ऐसे तैरते हुए पहली बार देखा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर फोर, ये सामने बाहुबली को ध्यान से देखिए, आखिर ये है कौन? इनका नाम अनिल गोचिकर है, और ये कोई और नहीं बल्कि ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड हैं। हर साल जगन्नाथ मंदिर के वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा में जब अनिल गोचिकर रथ को बाकी लोगों के साथ खींचते हैं, तो सबकी नजर सिर्फ इन पर ही होती है। इनकी ताकत, कद, काठी और बाहुबली जैसा शरीर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अनिल गोचिकर सिर्फ मंदिर में बना शुद्ध शाकाहारी प्रसाद ही खाते हैं, और उसके बावजूद इन्होंने जबरदस्त बॉडी मेंटेन कर रखी है। नंबर फाइव, मुकेश अम्बानी 88.9 बिलियन डॉलर की दौलत के साथ भारत के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन इनको छोड़ो, क्या आपको पता है कि भारत के सबसे महिरा अमीर कौन है? नहीं पता तो चलो जानते हैं। फोर्ब्स की एक मीडिया कंपनी है जो हर साल दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाती है। रिसेंटली इन्होंने भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट भी जारी की, जिसके अनुसार सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। सावित्री जिंदल की नेटवर्थ 42,415 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बात की जाए तो ये 19वें नंबर पर आती है। ये एक भारतीय बिजनेस वुमन है और चेयरवुमन है। नंबर सिक्स, कितना अच्छा हो अगर आप सोते सोते 20 लाख रुपए कमा पाओ। ब्रिटेन में क्राफ्टेड बेड्स नाम की एक गद्दे बनाने वाली कंपनी है, जो ब्रिटेन के सभी लोगों को अपने कंपनी के गद्दे पर सोने के लिए 20 लाख रुपए दे रही है। क्राफ्टेड बेड्स कंपनी को मैट्रेस टेस्टर यानी कि गद्दा टेस्ट करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें ये सजेशन दे सके कि उनके बेड्स को और आरामदायक और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, और इसके लिए कंपनी लोगों को एक साल का 20 लाख रुपए देने को तैयार है। काश ऐसी कंपनी इंडिया में आती तो मजा आ जाता। नंबर सेवन, खाने पीने का तो हर कोई शौकीन होता है, लेकिन कुछ लोग खाने के इतने बड़े लवर होते हैं कि वो टेस्टी चीजें खाने के लिए कितनी भी महंगी कीमत चुकाने से भी नहीं चुकते। लेकिन जानिए एक ऐसी मिठाई के बारे में जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मिठाई की कीमत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में इतनी कीमत की आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं। इस मिठाई को अमेरिका में बनाया गया है और इसकी कीमत है 17 लाख रुपए। इस मिठाई को बनाने में बेल्जियम चॉकलेट, कैवियर, गोल्ड और 2 कैरेट हीरे का इस्तेमाल किया गया है। इस मिठाई को सबसे महंगी मिठाई और सबसे महंगी डेजर्ट होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली हुई है।
नंबर 8, अगर आपके पास 50 रुपए का ये नोट है तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपको ये 50 रुपए का नोट लखपति बन सकता है। फिलहाल ही में आंध्र प्रदेश के एक दुकानदार ने 50 रुपए के पुराने नोटों और कई पुराने सिक्कों को लाखों रुपए में बेचा है। लेकिन आप कैसे इन नोटों को बेचकर लाखों कमा सकते हैं? लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपके पास 50 पैसे, 25 पैसे और बाकी कोई पुराना नोट है तब भी इनको बेचकर लाखों कमा सकते हैं। इसके लिए आपको OLX ऐप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना होगा और फिर आप अपने पुराने नोटों और सिक्कों को लाखों में बेच सकते हैं और वहाँ के कई लोगों ने ऐसे करके बहुत पैसे कमाए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।